खबर आ रही है लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक जो कि चल रही थी 5 एकड़ जमीन को लेकर के, जो कि बाबरी मस्जिद राम और जन्मभूमि मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये कहा गया था कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दी जाए और उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ये फैसला नहीं ले पा रही थी कि क्या ये जमीन लिया जाए ना लिया जाए, अगर लिया जाए तो उस पर मस्जिद बनाए या क्या कुछ बनाया जाए। अब इस पर जो बैठक थी सुन्नी वक्फ बोर्ड की, बैठक खत्म हो चुकी है। 5 एकड़ जमीन लेने पर सहमति बन चुकी है। अध्यक्ष के रौनाही में ट्रस्ट बनाएगा मस्जिद, लाइब्रेरी और चैरिटेबल अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया, यानी कि मस्जिद, लाइब्रेरी और चैरिटेबल हॉस्पिटल, यानी कि तीन ये चीजें बनाई जाएंगी। संदीप हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप, यह आखिरी फैसला क्या इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आपसी सहमति पे आने के बावजूद कोई ना कोई ऐसा मतभेद या मनभेद सामने आता है जिसके बाद में फिर से कोई फैसला लेते हैं। क्या यह आखिरी फैसला माना जाए, मस्जिद उस 5 एकड़ में बनेगी, लाइब्रेरी उसमें बनेगी और चैरिटेबल हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, देखिए जब्बार जी आपको बता दें, जिस तरह से आप जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कह सकते हैं कि अहम बैठक हुई थी जिसमें बोर्ड के सभी 6 सदस्य मौजूद रहे, हालांकि 2 सदस्यों ने इसमें अपनी राजामंदी नहीं दी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जुफर फारूकी साहब, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि मंदिर को हमने स्वीकार कर लिया है और इसके लिए यहाँ पे जो मस्जिद बनाई जाएगी उसके लिए एक यहाँ पे ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और चैरिटेबल अस्पताल लगाने पर जो चैरिटेबल। संदीप, क्या ये खबर आ रही है या सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो हमने जमीन को स्वीकार किया और हम वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, हालांकि ट्रस्ट का भी क्या नाम है इसको लेके जफर फारूकी साहब ने अभी कहा है कि थोड़ा सा हमको इंतजार करना होगा, लेकिन जमीन के साथ साथ वहाँ पर जो मस्जिद के साथ साथ वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी, साथ ही साथ एक चैरिटेबल अस्पताल भी वहाँ पर बनाया जाएगा। जी, अब ये जो बैठक थी, इस बैठक में क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग थे या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो दूसरे ऐसे संगठन इस्लामिक हैं उनको भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बुलाया था ताकि सहमति हमेशा के लिए बन जाए? जो बात बताते हैं, जो आज की लोगों की बैठक हुई है उसमें सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग शामिल हुए हैं, पूरी तरह से जो इस बैठक में लोग रहे हैं उन्होंने साफ तौर पे अपनी रजामंदी जताई है, हालांकि 2 लोग थे जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए जिन्होंने शुरुआत से ही जमीन को लेने से मना कर दिया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मस्जिद के बदले में जमीन लेना शरीयत के खिलाफ है, लेकिन जो बैठक में आज लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो इनका पूरा जमीन लेने का फैसला था उसको स्वीकार किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, एक अस्पताल बनाएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर लाइब्रेरी का भी गठन करेंगे और जल्दी हम इसका निर्माण भी शुरू करेंगे। मस्जिद को बनाने को लेकर देखिए उनका साफ तौर से कहना यह है कि जो ट्रस्ट है वो पूरा उसका खर्चा उठाएगा, वहीं लोगों से भी उसको लेकर मदद मांगी जा सकती है। संदीप, ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई ट्रस्ट बनाएगा, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, बिल्कुल ट्रस्ट बनाया जाएगा क्योंकि ये पहले से ही कह रहे थे जब से राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट की बात हुई, हालांकि ट्रस्ट के लोगों का भी कौन कौन लोग शामिल रहेंगे उसमें, सुन्नी वक्फ बोर्ड के कौन से लोग रहेंगे इसका भी इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा, उसके बाद हम आपको ट्रस्ट का नाम और ट्रस्ट में जितने भी सदस्य शामिल हैं उनके नाम की सूचना हम आपको जल्दी से जल्दी दे देंगे। यानी कि कोई डेडलाइन अभी तय नहीं की गई है, जैसा कि राम मंदिर को लेकर के ट्रस्ट बन चुका है, उसके मेंबर्स बन चुके हैं और काम का करने की प्रक्रिया पर आगे वो ट्रस्ट बढ़ रहा है, क्या कोई एक वक्त बताया जा रहा है कि हम अगली बैठक करेंगे किसी तारीख में और उसके बाद में इसकी शुरुआत होगी? खत्म हुई है जिसके बाद इन्होंने प्रस्तावना करी थी और इसके बाद इन्होंने अभी अगली बैठक को लेकर कोई भी तिथि नहीं दी है, साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जल्द ही हम आपको जो भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रस्ट के नाम को लेकर होगी, ट्रस्ट में कितने लोग शामिल हैं और वहीं पर मस्जिद जो है वो कितने एरिया में बनाई जाएगी, चैरिटेबल जो अस्पताल है उसका क्या नाम रखा जाएगा, इन सबकी सूचना हम आपको कुछ समय बाद देंगे। चलिए संदीप, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे।